हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही कम सामग्री के साथ और बिना तेल के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम 5 से 6 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को मैंने पहले से ही तैयार करके लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ओरिगेनो। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। तो डो बनकर तैयार है। अब हम चीज़ की स्लाइस को 4 भागों में कट कर लेंगे। अगर आपके पास स्लाइस नहीं है तो आप ब्लॉक वाले चीज़ को भी कट कर कर ले सकते हैं। अब हम चॉपिंग बोर्ड और हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और चौकोर टिकिया का शेप देंगे। तो टिकिया हमें चौकोर ही बनाना है। टिकिया को हमें थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि चीज़ की स्लाइस को बीच में कवर कर सकें। तो इसी प्रकार से हम दूसरी टिकिया बनाएंगे। अब हम चीज़ की स्लाइस को टिकिया के ऊपर रखेंगे और दूसरी टिकिया से इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और साइड से थोड़ा थोड़ा चाकू से कट कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा कट नहीं करना है, चीज़ की स्लाइस आलू के मिश्रण से कवर होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम सारी टिकिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारी टिकिया बनकर तैयार है, तो अब हम इसे सेकेंगे। तो ग्रिल पेन या सादे पेन किसी में भी आप इसे सेक सकते हैं। तो पेन को ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम टिकिया को सेकने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे लो फ्लेम पर हमें दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक सेकना है। थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो टिकिया पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो हम सभी टिकियाओं को पलट देंगे। तो एक साइड से टिकिया सीखेगी, इसी बीच में हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे। जार में डालेंगे 1/2 कप पुदीना, 1/2 कप हरा धनिया, 1 इंच अदरक कटा हुआ, 1 से 2 हरी मिर्च, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, 1 स्मॉल साइज का टमाटर रफली कटा हुआ, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1/4 टीस्पून काला नमक, तो नमक आप कोई भी डाल सकते हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। पीसते समय हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। तो चटनी बनकर तैयार है। तो इस चटनी को आप किसी के साथ भी बनाएं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम टिकिया को चेक करेंगे तो टिकिया पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो लीजिए बिना तेल का आलू का बना बहुत ही सरल नाश्ता, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।